आजकल गांव देहात में ऐसे राइस मिल मशीन बहुत से लोगों ने खरीद रहे हैं। वजन भी कम है, बस दो लोगों से इधर उधर आसानी से हो जाते हैं और लगभग 200 वोल्ट बिजली पर आसानी से चल जाते हैं। शुरुआत में इस राइस मिल मशीन थोड़े परेशान करते हैं। परेशानी इसलिए होते हैं, जैसे कोई भी मशीन खरीद कर शुरुआत में ऑपरेट करोगे तो थोड़े मालूम नहीं होने के कारण ऑपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक से चला नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जब ऑपरेट करने जान जाओगे तो इसके पार्ट को बहुत हद तक टूटने फटने से बचा लोगे। शुरुआत में ठीक ऑपरेट नहीं कर पाने के कारण कुछ पार्ट जल्दी फट जाते हैं। जब पूरी तरह ऑपरेट करने जान जाओगे तो स्पाइन पार्ट को टूटने से बचा लोगे। शुरुआत थोड़े झेलने पड़ते हैं, बाद में अच्छे खासे धान कुटाई होने लगते हैं। अच्छे से धान कुटाई होने लगेंगे तो धंधा भी अच्छे खासे चलने लगेंगे और कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। गांवों में बहुत से लोग इस समय धान खरीदी कर रहे हैं। अभी धान कटाई सीजन है तो धान के दाम भी थोड़े कम हैं। अपने पास धंधे के लिए जितने भी पैसे होते हैं सबसे धान खरीद लेते हैं। गांव में बहुत से किसान लोन लेकर धान लगाए हुए रहते हैं, इसलिए वे किसान धान छंटाई के तुरंत बाद ही धान को बेचने पड़ते हैं। उन्हें धान बेचकर जल्दी से जल्दी लोन भरने होते हैं। इस तरह गांव में धान खरीदी करने वाले को थोड़े कम दामों पर धान मिल जाते हैं। जो चावल के बिजनेस करते हैं वे लोग इसी समय बहुत सारे धान खरीद लेते हैं और इस तरह के मिनी राइस मिल मशीन खरीद कर धान को कुटाई करके रखते रहते हैं। इस तरह राइस मिल मशीन में जब इसके शाफ्ट नया रहते हैं तो धान बहुत अच्छी तरह से कुटाई होते हैं। धान को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ते हैं। धान खरीदो और धुड़े साफ सफाई करने के बाद सुखा देने होते हैं और सुखा कर धान कुटाई कर देने होते हैं। पुराने राइस मिल मशीन से भी सरना धान को अच्छी कुटाई करते हैं। कहीं आरवा धान भी बोलते हैं, जो बिना उबाले हुए धान होते हैं। जब शाफ्ट घर्षण करके खत्म हो जाते हैं तब आरवा चावल को थोड़े तोड़ने लगते हैं। इसलिए अगर इस तरह के राइस मिल मशीन चला रहे हो तो आपके पास दो शाफ्ट होने बहुत जरूरी है। जैसे ही शाफ्ट खत्म हुए शाफ्ट खोलकर चेंज कर देने होंगे। दो शाफ्ट होने से एक शाफ्ट को पहले से रिपेयर करके रखे हुए रहोगे। इस चैनल पर शाफ्ट को रिपेयर करके बताया गया है, कम से कम पैसों पर आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर नया शाफ्ट खरीदने जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ सकते हैं। दो शाफ्ट रहेंगे तो धान कुटाई अच्छे से कर सकते हो और चावल ना के बराबर ही टूटेंगे। जैसे ही शाफ्ट खत्म होने लगेंगे वैसे ही चावल टूटने लगेंगे। जब चावल टुकड़े होने लगे तो समझ जाना शाफ्ट खत्म हो गए हैं। चावल बिजनेस के साथ साथ भूसी सेल करके भी बहुत पैसे कमाया जा सकता है। गांव देहात में बहुत से लोग पशुपालन करते हैं और अपने पशुओं को भूसी खिलाते हैं। आरवा धान की भूसा को गाय भैंस बहुत मजे से खाते हैं। बहुत से लोग सुअर को भी भूसी खिलाते हैं। सरना भूसी को सुअर भी बहुत खाते हैं। आरवा भूसी में चावल के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं, इसीलिए सुअर गाय भैंस बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इस राइस मिल मशीन में समय पर शाफ्ट को मेंटेनेंस कर लेंगे तो धान कुटाई बहुत अच्छी तरह होंगे। धान कुटाई करते समय चावल ना का बराबर टुकड़े होंगे। गांवों में कुछ लोग आरवा चावल को प्लास्टिक पैकेज में पैक करके सेल करते हैं। धान कुटाई करने के बाद 1 या 2 किलो के पैकेट में पैक कर देते हैं। ज्यादा टुकड़े चावल होते हैं उन्हें पिसाई करके पैकिंग करते हैं। पाउच पैकिंग मशीन मार्केट में 4-5 हजार रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी घर बैठे पाउच पैकिंग मशीन मंगा सकते हो।